इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो इसके लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। पे आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक डायग्राम क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं एक रेजिस्टेंस लाइन बनाता हूँ और नीचे एक मैं सपोर्ट लाइन बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ, दिस विल बी आवर रेजिस्टेंस एंड दिस विल आवर सपोर्ट लाइन। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉकर हो या फिर निफ्टी हो, अगर वो रेजिस्टेंस के पास पास आता है तो वहां से वो नीचे ही आएगा, इनकेस अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो। ठीक है ना, अपन मान के चलते कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो वो आएगा सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास हमेशा खड़े होते बायर्स, तो यहाँ पे मैं बायर्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे रहेंगे अपने बायर्स। बायर्स ठीक है, और ऊपर रहते अपने सेलर्स। सेलर्स मार्केट को नीचे ढकलते और बायर हमेशा उसको पुश करके ऊपर ढकल। तो यहाँ पे सपोज बायर्स ने इसको ऊपर ढकेला मार्केट को, तो ये जाएगा स्टॉक्स ऊपर यहाँ से रेजिस्टेंस के पास। अगर रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया के चलते, अगर इसने ऐसे क्रॉस किया ठीक है, तो यही रेजिस्टेंस नेक्स्ट टाइम सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जैसे अगर यहाँ से अगर स्टॉक नीचे आएगा तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, बिकॉज आफ्टर क्रॉसिंग दिस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यही जो स्टॉक है ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से फिर इसके आगे के जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन आपको ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि अगर उसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो यहाँ से उसको सपोर्ट बनेगा। सेम ऐसे ही सपोर्ट के साथ होता है, अगर उसने सपोर्ट को यहाँ से अगर क्रॉस कर लिया होता यहाँ से नीचे, तो यही सपोर्ट उसके लिए नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस बनता। ठीक है ना, अगर वो ऐसे ऊपर आता तो यहाँ से वो नीचे ही जाता, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए भी यही चीज अपन प्रैक्टिकली देखते हैं ग्राफ में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक चार्ट ओपन किया है। अभी इसी चार्ट में अपन कुछ लेवल्स मार्क करते हैं, जैसे जैसे हमें लेवल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ से हमें कोई लेवल मिलते हैं तो हम उसको मार्क करेंगे। ठीक है, आपको अगर ऐसे ही स्टॉक मार्केट के कुछ वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं स्टॉक यहाँ पे आया तो ये जो है लेवल, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, मैंने उसको मार्क कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अगर वो क्रॉस करते हैं तो यही चीज उसके लिए सपोर्ट बनेगा। ठीक है ना, देखिए अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से यही उसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये जो लाइन जैसे उसने रेजिस्टेंस था तो यही नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बनेगा। अभी जो अपन ने मार्क किया था 18,712 लग के रैंक, यहाँ से उसने दो बार रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओके, सेकंड टाइम फिर यहाँ पे,
अभी अपन देखते हैं, अगर ये स्टॉक्स यहाँ से अगर ऊपर भागेगा तो यही लाइन उसके लिए सपोर्ट की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने सपोर्ट ब्रेक कर लिया, रेजिस्टेंस ने ब्रेक कर लिया, और यहाँ पे अभी ये सेम सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो लेट्स सी, तो देख सकते हैं सपोर्ट की तरह एक्ट किए ये लाइन। यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और यही इसने दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है दोस्तों। तो यही सेम इसके लिए भी होता है, रेजिस्टेंस के लिए भी ऐसे ही एक्ट होता है। अगर अगर उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो वो उसका सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, अगर सपोर्ट उसने ब्रेक किया तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।